ओम शांति। 30/7/2020 आज के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुखधाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे। प्रश्न है, बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? उत्तर है, जो याद के साथ साथ बाप से पूरा पूरा ऑनेस्ट रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं है, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कोई पाप नहीं करते हैं, उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है। कई बच्चे भूले करते रहते हैं, फिर कहते क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा होती नहीं, हरेक कर्म का हिसाब किताब है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है, अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है। दूसरा, जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है, सर्विस में दिल शिकस्त नहीं होना है, सबको बाप का पैगाम देना है, थकना नहीं है। वरदान है, स्नेह की गोदी में आंतरिक सुख व सर्वशक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। बाबा ने कहा, जो यथार्थ पुरुषार्थी है वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं, मेहनत के पांव से नहीं लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोदी में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्वशक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। स्लोगन है, निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव होता है। ओम शांति।